हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर एक बार पहुंचे एक स्नेक रेस्क्यू करने के लिए निम्बुड़ी गांव में। ये अहमदनगर जिला में आता है निम्बुड़ी गांव, यहाँ से हमें गोपाल यादव इन्होंने कॉल किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पहले ही पहुँच चुके थे कुछ देर पहले, एक घंटे पहले, तब हमें स्नेक यहाँ पर नहीं मिला। ये सब हमने हटा दिया था। देखिए यहाँ पर सब ईंटें पड़ी है, लकड़ियाँ है, ये सब हमने यहाँ पर हटा कर देखा था, तब नहीं सांप मिला वो। लेकिन अब फिर एक बार वही सांप दिखाई दिया था इन्हें, तो फिर एक बार हमें इन्होंने कॉल किया। तो देखिए हम यहाँ पर पहुँच चुके, देखते हैं हम यहाँ पर कौन सा स्नेक मिलता है। बस दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। इनका कहना यही था कि ये सांप यही देखा गया, लेकिन हमने सब ढूंढ लिया, यहाँ पर नहीं मिला। शायद वो दूसरे कोने में चला गया होगा। चलिए हम देखते वहाँ पर जाके। मेरे को हाथ लगा देना पीछे से, सब कुछ बस काटने मत देना मेरे को। तुम लोग किस तरह की भारी एक नंबर है भी बोला आपको। ओ ये रहा ये रहा, फिर घूम रहा घूम रहा, इस तरह भी घूम रहा। धामन धामन है ना, धामन धामन तो यार तुम लोग तो दोस्तों यहाँ पर अहमदनगर में निम्बुड़ी नाम से गांव है, गोपाल यादव इनके घर पे ये हमने एक स्नेक रेस्क्यू किया। देखिए पहली बार हम यहाँ पर आ चुके थे, सर्च किया लेकिन मिला नहीं। दूसरी बार वापस उनको ये स्नेक दिखाई दिया और दूसरी टाइम को ये हमें हाथ को लगाया यहाँ पर ही। देखा था उधर लेकिन हमें आने आए तक ये यहाँ पर आ चुका था। तो ये रेड स्नेक है यानी धामन सांप, हिंदी में इसे धामन सांप बोलते हैं, मराठी में इसे धामन सांप बोलते हैं। ये इंडिया में हर जगह पाया जाता है, लोग इसे जहरीला समझकर मार देते हैं। तो ये बिना जहर वाला है, लेकिन क्या होता है लोग इसे जहरीला समझकर मार देते हैं। कुछ लोगों का जो अंधविश्वास है, जैसे कि पूछ मार देना, पूछ में जहर होना, या गाय भैंसों को दबोच कर मार देना, दूध पी जाना, ऐसा कुछ होता नहीं, ये बस अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास के कारण क्या करते लोग इसको मार देते। तो हमने क्या करना है, सांपों को बचाना है, इनको मारना नहीं है। तो सांप एक पर्यावरण का हिस्सा है, इसलिए इसको हमने बचाए रखना है, मारना नहीं, एक नेचर का हिस्सा है, तो इसे हमने मारना नहीं है। दोस्तों इसी तरह आप स्नेक रेस्क्यू कर सकते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो स्नेक कैचर है उनको कॉल करके। अहमदनगर के लिए, बस अहमदनगर के लिए हमारा सर्विस है। अहमदनगर में कहीं भी स्नेक निकलता है, दिखाई देता है, तो उसे ना मारे, स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कॉल कर सकते आप उस स्नेक को रेस्क्यू करने के लिए। तो यहाँ हमने इसको रेस्क्यू कर लिया, अभी इसको फॉरेस्ट में जंगल में हम आजाद करने वाले हैं। तो हाँ तो आप देख सकते हैं उसकी पूंछ में कोई कांटा नहीं होता है, देखिए, और जहर भी नहीं होता है और पूंछ में कांटा भी नहीं होता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उसकी पूंछ में कोई कांटा नहीं है, ना कोई जहर है, ठीक है। तो लोग यही सोचकर डर जाते हैं कि उसके पूंछ में कांटा होगा, कांटा मार देगा तो आदमी मर जाएगा, ऐसा सोचकर उसको अंधविश्वास में इसको मार देते। तो इसको मारने की जरूरत नहीं, दुनिया का कोई भी सांप हो उसको मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांप एक पर्यावरण का हिस्सा है, इसलिए हमने इसको बचाए रखना है। और ये सांप कभी जबरन किसी को काटते नहीं, जब उनको खतरा लगता है तभी ये सांप काट लेते हैं। दोस्तों अभी एक स्नेक हमने रेस्क्यू किया था निम्बुड़ी गांव में, गोपाल यादव इनके घर के कंपाउंड के पास हमने ये रेस्क्यू किया था। वहां पर हम दो बार गए थे, पहली बार हमें मिला नहीं, दूसरी बार मिला। पहली बार हमने बहुत सारा सर्च किया था लेकिन मिला नहीं।
बार मिल चुका है रैट स्नेक यानी दामन सांप। तो यहाँ पर फॉरेस्ट में जंगल में हम इसको आज़ाद करने के लिए लाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जंगल में हम इसको आज़ाद कर रहे हैं। दोस्तों इसको आज़ाद करते हुए एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सांपों से जुड़ा तमाम जानकारी आप तक पहुँचती रहेंगी। ठीक है, सांपों के बारे में सब जानकारी आप तक पहुँचती रहेंगी, इसलिए आप क्या करो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको हमने आज़ाद कर दिया है।